मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। स्वागत है दोस्तों तत्काल मीडिया में। आखिर मोदी जी के 91 गाली खाने वाले बयान पर जबरदस्त प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है और कर्नाटक की सियासत में अचानक से भारी गर्माहट आ गई। प्रधानमंत्री मोदी पर जबरदस्त हमला करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तूफानी भाषण में कहा, मैंने ऐसा प्रधानमंत्री पहली दफा देखा जो आपके सामने आकर रोता है, जो बोलते हैं मुझे गाली दे रहे हैं, जनता के दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। लेकिन मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं, आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है, आपके दुखों की लिस्ट नहीं है, ये आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है, वो लिस्ट किसानों की क्या समस्याएं हैं, रोजगार की क्या समस्याएं हैं, गरीबी की क्या, ये वो लिस्ट नहीं है, ये लिस्ट है मोदी जी को किसने कितनी बार गाली दी है। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है, अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है, वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना, वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। प्रियंका गांधी ने इसी तरह तूफानी अंदाज को जारी रखते हुए आगे कहा, कम से कम ये गाली वाली लिस्ट एक पन्ने पर तो आ जा रही है, मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम अगर लिस्ट बनाना शुरू कर दे तो किताब पे किताब छाप देंगे। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है, अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब पे किताब छपवा लेंगे। फिर उन्होंने अपने भाषण में मोदी जी को नसीहत देते हुए कहा, हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई राहुल गांधी से सीखो, मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं तो गोली खाने को तैयार हूँ इस देश के लिए, मेरा भाई कहता है मैं सच्चाई के लिए भी खड़ा रहूंगा, तुम गाली दो गोली दो छुरा मारो कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी घबराओ मत, ये सार्वजनिक जीवन है, इसमें ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो, मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए, मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा, तुम गाली दो गोली दो छुरा मारो कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी घबराओ मत, ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। बहरहाल प्रियंका गांधी का ये जबरदस्त भाषण खूब वायरल हो रहा है और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है और लाखों ट्विटर अकाउंट पर इसे शेयर किया जा रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत भी इस वीडियो को शेयर करते हुए चुटकी लेते हुए कहा, गाने की बोल में, सुन साहिबा सुन, हिम्मत है तो सुन, जनता ने भी सुन लिया, तू भी एक बार सुन। खैर प्रियंका का तूफानी अंदाज तो देख लिया, अब राहुल के बयान और प्रतिक्रिया का इंतजार है और ये गाली वाले बयान पर कितनी गाली निकलकर सामने आएगी कहा नहीं जा सकता। जनता के मुद्दे से ज्यादा कहीं गाली गलौज मुद्दा न बन जाए। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। हम ऐसे ही कर्नाटक चुनाव पर वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद।